मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा में शनिवार की दोपहर सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक गप्पे गांव निवासी विनोद शर्मा का 8 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार था। मिली जानकारी के अनुसार पीयूष सड़क पार कर रहा था, इसी दौरान एक तेज रफ्तार टाटा मैजिक वाहन ने उसे कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी विनय राम दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। इसके बाद पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सर, सड़क दुर्घटना हुआ है, क्या अभी प्रावधान के तहत क्या किया जा रहा है? पहल जो भी सरकारी प्रावधान होगा आपदा के अंतर्गत, उसके अंतर्गत मुआवजा दिया जाएगा। अभी तत्काल सर कोई सहायता दी जा रही है क्या? नहीं, वो तो अभी राशि खाते में जाती है। अच्छा, जितने भी सामाजिक सहायता के प्रावधान है सब खाते में। घटना हुई है सर, मौके पर आप लोग पहुंच गए हैं? गपे के रहने वाले विनोद वर्मा के करीब 6 वर्ष से पूछ रहे विनोद कुमार, तो ये पे दवा लेने के लिए आए हुए थे दुकान पर, उसी समय अज्ञात वाहन के चपेट में आने से दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अभी सर जाम को हटा दिया जाए, जाम गांव को रोड जाम है।